क्वालिटी सेल गठित कर प्रदेश भर में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता पुख्ता करने के लिए सख्त कदम उठाने वाली जयराम सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए अपने नियम कायदे ही भूल गई है। धर्मशाला के पुलिस मैदान में 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की रैली प्रस्तावित है, लेकिन इस रैली में 10 दिन पहले लोक निर्माण विभाग ने आनन फानन में बिना टेंडर ही रैली स्थल पर सीढ़ियां बनाने और भूमि समतल करने का काम शुरू कर दिया है। इस पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत होनी है। शीतकालीन सत्र के दौरान खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 बार पुलिस मैदान का निरीक्षण कर दिशा निर्देश जारी किए थे। ठेकेदार भी बिना टेंडर के ही 16 दिसंबर को फटाफट पुलिस मैदान में जनता के बैठने के लिए सीढ़ियां बनाने में जुट गया। ठेकेदार को विभाग ने 22 अक्टूबर तक यानी 7 दिन में काम को पूरा करने के लिए कहा है, लेकिन नहीं लगता कि 24 दिसंबर तक भी काम पूरा हो और इसके बाद 2 दिनों के बाद ही इन्हीं सीढ़ियों पर हजारों की संख्या में जनता बैठेगी। सीढ़ियों के ऊपर एक पेड़ गिरने की कगार पर है। इस सारे घटनाक्रम पर अफसर और ठेकेदार हमारे सवालों से कन्नी काटते और गोलमोल जवाब देने में लगे हुए हैं और कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया है। प्रवक्ता कांग्रेस जिला कांगड़ा जितेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री दौरे को लेकर पुलिस मैदान में काम आनन फानन में बिना प्लानिंग और बिना टेंडर के ही अपने चहेते ठेकेदारों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब ये सीढ़ियां बनकर तैयार होंगी उसके 2-3 दिनों के अंदर ही 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की रैली होने तय है और इन सीढ़ियों पर हजारों की संख्या में लोग बैठेंगे। अगर सीढ़ियां धस गई या कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर जो है प्रशासन द्वारा आनन फानन में जो है पुलिस ग्राउंड में सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। हमारा जो है इसके लिए कोई एतराज नहीं है कि प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और उसके लिए जो है कार्य होना चाहिए, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 दिन के अंदर अंदर आनन फानन में जो सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है क्या इसमें गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो जो है जयराम सरकार जो है ये कह रही है कि हम कोई भी कार्य बिना प्रक्रिया अपनाए हुए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पारदर्शिता का जो है सबसे बड़ा ख्याल रखा जाएगा, परंतु यहां पे जो है बिना टेंडर की प्रक्रिया अपनाए एक ठेकेदार को खुश करने के लिए उसे जो है टेंडर दे दिया गया जिसपे अनुमानित 50 लाख से ऊपर का खर्चा बताया जा रहा है। और ये जो सीढ़ियां जो हैं प्रधानमंत्री जी के दौरे से 2 या 3 दिन पहले जो है कार्य पूरा होगा और उस पे जो है हजारों की संख्या में जो कि इनका दावा है कि यहां पे जनता आकर बैठेगी और यदि कोई सीढ़ी धस जाती है या पे या कोई जो है किसी व्यक्ति की जान माल का नुकसान होता है तो क्या प्रशासन अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है? हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो प्रशासन कह रहा है कि हम जो है हर कार्य को जो है कानून के दायरे में रहकर पूरा करेंगे और दूसरी तरफ जो है इस तरह के कार्य अपनाकर जो धर्मशाला में पूरे कार्यक्रम चले हुए थे जो पिछली सरकार के द्वारा जो है कार्य किए जा रहे थे उन कार्यक्रमों पर लगाम लगाकर सारे का सारा पैसा जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि गुणवत्ता का ख्याल पूरा रखा जाए ताकि किसी की जानमाल की यहाँ पे हानि ना हो। प्रदेश मीडिया से प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस बौखलाहट में बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को शॉर्ट टेंडर हुआ है और 18 दिसंबर को टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये काम पूरी प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है उसका 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये जो कांग्रेस बौखलाहट में बातें कर रही है इसका टेंडर भी हुआ है, ऐसी कोई नहीं है, कोई अनियमितियां नहीं बरती जा रही हैं। 17 तारीख को टेंडर हुआ है और 100 टेंडर हुआ है और 18 तारीख को डेट ऑफ लेटर ठेकेदार को दिया गया है और ये पूरे प्रक्रिया के अनुसार ही सब काम हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस बुखलाई हुई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। हिमाचल प्रदेश से 4 सीटें भाजपा जीतने वाली है और ये मनगढ़ंत किससे जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है।